युगांडा आधिकारिक तौर पर युगांडा गणराज्य पूर्व अफ्रीका में एक लैंड लॉक्ड देश है। देश में प्रचलित वन्य जीव है, यह लुप्त प्राय पर्वत गोरिल्ला का घर है और लगभग 1061 विभिन्न पक्षी प्रजातियां भी हैं यहाँ पर। युगांडा दुनिया का एक ऐसा देश है जिसे गोरिल्लाओं का देश भी कहा जाता है। आज के समय में पूरी दुनिया में इस प्रजाति के गोरिल्लाओं की संख्या सिर्फ 700 ही बची है। 2018 की जनगणना के अनुसार युगांडा की जनसंख्या 4,15,00,000 है। युगांडा का क्षेत्रफल 2,41,038 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर कुल 30 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन यहाँ की राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश को बनाया गया है। युगांडा की करेंसी युगांडन शिलिंग है और भारत का 1 रुपया 56 युगांडन शिलिंग के बराबर है। युगांडा की राजधानी कामपाला शहर है, जिसे पूर्वी अफ्रीका के सबसे अच्छे शहरों में माना जाता है। युगांडा एक बहुत ही गरीब देश है और यहाँ की बहुत बड़ी आबादी दिन के 70 रुपए से भी कम कमाती है। यहाँ की सरकार आज तक किसी भी फूल को नेशनल फ्लावर नहीं बना पाई है। यहाँ पर अगर आप गलती से भी एक पेड़ काट देते हैं तो उसकी जगह आपको 3 पेड़ लगाने होते हैं। युगांडा की महिलाएं किसी को बुलाने के लिए सीटियों का इस्तेमाल करती हैं। यहाँ की महिलाएं बच्चा पैदा करने में बहुत ही सक्षम होती हैं और यहाँ की हर महिलाएं कम से कम 6 बच्चे पैदा करती है। युगांडा में महिलाओं की शादी बहुत ही कम उम्र में हो जाती है, यही कारण है कि वह बीमारियों का शिकार होती हैं। और युगांडा में बच्चों के मरने की संख्या बाकी देशों से भी ज्यादा है। 1700 से 2300 साल पहले युगांडा के लोग शिकारी संग्रह करता थे। युगांडा में अगर बच्चों ने एक या दोनों माता पिता खो दिए हैं तो बच्चे को अनाथ माना जाता है। देश अपनी सीमाओं को 5 अन्य देशों के साथ साझा करता है, रवांडा, तंजानिया, केन्या, दक्षिण सूडान और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। बुगांडा साम्राज्य युगांडा में सबसे प्रसिद्ध था। आज यह देश में पारंपरिक साम्राज्यों में से सबसे बड़ा है। फुटबॉल युगांडा का राष्ट्रीय खेल है। लगभग 1/4 युगांडा की सतह झीलों और नदियों से बनी है। साल 1962 में बगंडा के राजा सर एडवर्ड मोतेस को पहला राष्ट्रपति चुना गया था और मिल्टन ओबेटे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। यहाँ के निवासियों को युगांडन्स के रूप में जाना जाता है। देश की लगभग आधी आबादी 14 वर्ष से कम है, जो इसे दुनिया के सबसे जवान देशों में से एक बनाता है। युगांडा की महिला पारंपरिक रूप से घरों का निर्माण करती हैं। वे मिट्टी के घरों की दीवारों के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि पुरुष इन घरों की छतों को बनाते हैं। जीवन को बनाए रखने के लिए लकड़ी का कोयला और ज्वार की बढ़ती मांग के कारण युगांडा अपने कई वनों को खो चुका है। तो ये थी अफ्रीका के एक देश युगांडा के विषय में कुछ जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी अनेकों जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।